अगर आपको भूतिया कहानी रोमांचक करती है तो यह कहानी आपके लिए है। ये कहानी एक भूतिया हवेली की है जो रात के अंधेरे में भयानक रूप ले लेती थी। इस हवेली में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा था। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में हवेली में अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज भी आती थी। परिवार के सदस्यों का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। एक रात पत्नी की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि उनके बच्चे का बिस्तर खाली है। उसने घबराकर अपने पति को जगाया। दोनों ने बच्चे को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में वे दोनों पुलिस के पास गए और उन्होंने अपने बच्चे के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूरे इलाके में बच्चे की तलाश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। परिवार के सदस्य बहुत परेशान थे। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उन्हें एक खबर दी कि उन्हें जंगल में एक बच्चे की लाश मिली है। जब उन्होंने उस लाश को देखा तो पता चला वह लाश उनके बच्चे की ही थी। बच्चे की लाश को देखकर वो बहुत रोए। वो नहीं समझ पाए कि उनके बच्चे के साथ ऐसा किसने किया होगा। पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद वो उस हवेली को छोड़कर चले गए, लेकिन वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है और रात होते ही उस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग कहते हैं कि उस हवेली में एक भूत रहता है। जिस दिन बच्चे की लाश मिली थी उसी रात उस हवेली से एक बच्चे की रोने की आवाज आई थी। तब से लेकर आज तक उस हवेली में कई लोग अजीब चीजें देख चुके हैं। कहते हैं उस हवेली में जाने वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। कोई बीमार हो जाता है, कोई पागल हो जाता है या कोई अचानक गायब हो जाता है। अगर आप कभी उस हवेली के पास से गुजरें तो उस हवेली में जाने की कोशिश ना करें, वरना आप रात के खौफ का शिकार हो जाएंगे।